हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो कल जन्माष्टमी है एंड मैं व्लॉग कर रही हूँ एंड मेरा जन्माष्टमी का कल फास्ट भी है। तो मेरी स्किन ना थोड़ी सी डल हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि कल फास्ट के दिन मेरी स्किन अच्छी दिखे, ग्लोई दिखे। इंस्टेंट ग्लो के लिए हम सभी हल्दी या बेसन मिक्स करके लगाते हैं, बट फिर भी हमें वो इंस्टेंट ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट नहीं मिल पाता है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए होता है वो सैलॉन वाला मल्टी स्टेप ग्लो, इंस्टेंट ग्लो। लेकिन अब सैलॉन जाओ, वहाँ पे टाइम दो एंड काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है, काफ़ी सारे अपॉइंटमेंट्स भी होते हैं, तो आपका नंबर आएगा तो काफ़ी सारे झंझट हो जाते हैं। हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमें इंस्टेंट ग्लो दे एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो। तो मेरे पास है कुछ ऐसा जो हम सभी यूज़ कर सकते हैं फॉर दैट इंस्टेंट ग्लो इन बजट। मैं बात कर रही हूँ अबाउट न्यूड 6 स्टेप DIY मेकओवर फेशियल किट एट होम फॉर सैलॉन लाइक इंस्टेंट ग्लो। इस फेशियल किट में वो सारे 6 स्टेप्स हैं जिसको यूज़ करके आप इंस्टेंट ग्लो पा सकते हो, वो भी बजट में एंड आपके घर पे आपके कन्वीनियंस में, सिर्फ 30 मिनट्स के अंदर। तो लेट मी शो यू ऑल दो 6 स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 है क्लेंजिंग मिल्क। तो आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग अपने पाम में क्लेंजिंग मिल्क ले लेना है एंड अच्छे से मसाज करना है 5 मिनट्स तक अपने पूरे फेस एंड नेक में। तो इससे क्या होगा कि जितने भी डर्ट इम्प्योरिटीज़ आपकी स्किन पे बैठी होंगी वो निकल जाएंगी एंड आगे जो भी आप स्टेप्स करोगे उसका इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा होगा एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डर्टी फेस पे आपको कुछ भी लगा लो तो कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद एक गीले टावल की हेल्प से आपको इसको वाइप ऑफ कर लेना है। तो सेकेंड स्टेप है एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब। तो ये हमें हेल्प करेगा डेड स्किन सेल को रिमूव करने में एंड साथ ही ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को रिमूव करने में। तो हमें जनरली नोज़ एरिया के अराउंड एंड चिन एरिया एंड फोरहेड एरिया पे ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे से मसाज करना है एंड आपको थोड़ा सा पानी लेके मसाज करना है। तो इससे आपकी सारी डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगी एंड इसे हमें नेक पे अप्लाई करना है। सो जो भी स्टेप्स हम अपने फेस पे करेंगे उसको हमको नेक पे भी लगाना है। इसके बाद बस आपको नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को वॉश कर लेना है एंड आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट फील होगी। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि है स्टेप नंबर 3, जो कि होगा मसाज क्रीम। तो इसकी आपको अपने फेस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी लेके मसाज करना है अराउंड 10 मिनट्स तक। तो अगर आप ज़्यादा ले लेते हो तो आप लास्ट में वाइप ऑफ कर सकते हो। सो इससे आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से डीपली मॉइस्चराइज होगी एंड आपको इसको अच्छे से मसाज करना है इन अपवर्ड मोशन। एक लिफ्ट आपको देनी है चेहरे पे, आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं करना है। तो फेस काफ़ी ज़्यादा स्कल्प्टेड हो जाएगा एंड एक लिफ्ट मिलेगी अच्छी सी एंड काफ़ी रिलैक्सिंग भी लगेगा आपको। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ स्टेप नंबर 4, विच इज़ फेस मास्क। तो इसको आपको अप्लाई करना है अपने ओवरऑल फेस पे एंड नेक पे। ये क्रीम बेस्ड फेस मास्क है, आप यहाँ पे ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो अप्लाई करने के लिए। तो अच्छे से इसको अपने पूरे फेस एंड नेक एरिया पे लगा के इसको छोड़ देना है 10 मिनट्स तक एंड उसके बाद इसको हम अपने टाल से वाइप ऑफ कर लेंगे, जो वेट टाल हम यूज़ कर रहे हैं, एंड उसके बाद नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे। अगर ठंडा पानी है तो और भी अच्छा रहेगा। तो इसके बाद आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड एंड क्लीन लगेगी। तो इसके बाद हम मूव करेंगे स्टेप नंबर 5 की तरफ, जो कि है फेस सीरम। तो इसकी आपको 3 से 4 ड्रॉप्स लेनी है एंड स्किन पे पैट करना है एंड अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा एंड हाइड्रेटेड रखेगा। तो लास्ट स्टेप इज़ सनस्क्रीन। तो जितना भी हमने अपनी स्किन पे किया इसके पहले उसको प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है बाय यूजिंग अ सनस्क्रीन। तो इससे आप इस फेशियल को दिन में भी कर सकते हो एंड आपको कोई एक्स्ट्रा सनस्क्रीन भी लगानी नहीं पड़ेगी, इस पैक में ही आपको मिल जाएगी। इसमें है SPF 30। तो अच्छे से इसकी लेयर लगा लेनी है आपको फेस एंड नेक पे एंड यहाँ पर मेरा फेशियल डन हो जाता है एंड देख सकते हो डिफरेंस कितना ज़्यादा ग्लो कर रही है स्किन एंड काफ़ी अच्छी दिख रही है। ऑल्सो न्यूड ने सर्वे किया, उसमें भी 90% लोगों ने माना कि न्यूड 6 स्टेप DIY मेकओवर फेशियल किट से उन्हें इंस्टेंट ग्लो मिला है एंड ऑल्सो 90% लोगों ने इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी रिकमेंड किया है। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है लाइक
पैराबेन, सल्फेट एंड फॉर्मल्डिहाइड। सो गाइज ये अवेलेबल है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये ऑल्सो अवेलेबल है ऑन अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना एंड मुझे अपने फीडबैक ज़रूर बताना कमेंट्स में, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो डर के बेचारा उड़ गया वहाँ पे। मैंने जैसे ही विंडो खोला तो मैं आपको मौसम दिखाने के लिए ये विंडो खोला था मैंने, तो अभी कुछ देर पहले बहुत अंधेरा था, बारिश हो रही थी, लेकिन अभी धूप निकल गई है, बारिश नहीं हो रही है। तो हम ना ऐसे विंडो के बाहर ये थोड़े से गेहूँ रख देते हैं, थोड़े से फ्रूट्स भी कभी कभी होते हैं, तो सो जो भी कबूतर पिजन कुछ कोई भी आता है तो यहाँ से ज़रूर खा के जाता है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। सो गाइज़ मैंने पूजा कर ली, काफ़ी जल्दी जल्दी रेडी हो गई थी एंड पूजा हो गई अच्छे से एंड अब मैं थोड़ा सा कुछ खा लूँगी। जन्माष्टमी में हमें फ्रूट्स खाना अलाउड है एंड सिर्फ मीठा हम खा सकते हैं एंड हम पानी भी पी सकते हैं। तो बस मैं अभी जाके कुछ फ्रूट्स खा लूँगी एंड उसके बाद मैं अपने बालों को सुखा लूँगी, बिकॉज आज मैंने हेयर वॉश भी किया था एंड बाल अभी तक गीले हैं। सो या हे गाइस, तो शाम की आरती भी हो गई है, अभी 8 बज चुके हैं, तो बस अब हमें 12 बजने का इंतज़ार है जब कृष्ण जी का बर्थडे होगा एंड हमारा फास्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी प्रसाद बन चुका है, जो मेन प्रसाद होता है सिंघाड़े के आटे का हलवा वो बन चुका है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी एंड कमेंट्स बताना अगर आपको पता है या फिर नहीं पता है सिंघाड़े के आटे के बारे में, उसके हलवे के बारे में। भूख तो नहीं लग रही, कभी कभी ऐसा फील हो रहा है, वो जो हमें थोड़ा सा चटपटा नमकीन खाने की जो क्रेविंग होती है वो हो रही है, बाकी ऐसा भूख तो कुछ नहीं लग रही मुझे। एंड आप सबसे मिलूँगी 12 बजे से पहले। तो 12 बजने में बस 5-10 मिनट बाकी थे, तो हमने टीवी चला ली थी एंड न्यूज़ में देख रहे थे, तो उसके बाद हमने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली एंड हमारा फास्ट भी फिनिश हो गया। तो उसके बाद हमने प्रसाद खा लिया जो हमने भगवान को चढ़ाया था, तो वो खाने के बाद अब बारी थी डिनर करने की। तो उसमें था पूड़ी, पनीर की सब्ज़ी और वो सिंघाड़े के आटे का हलवा। कोई चॉकलेट डेजर्ट लग रही होगी देखने में, बट वो हलवा है एंड काफ़ी टेस्टी होता है। सो या दैट वाज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।